अयोध्या गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी मोहित के घर पर किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन हो सकता है। इससे पहले कल प्रशासन की टीम ने आरोपी मोहित के घर की जमीन की पैमाइश की थी और अब किसी भी वक्त उसके घर पर बुलडोजर चल सकता है। इससे पहले कल पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद में सोहावल तहसील से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी सपा नेता मोहित खान की जमीन की पैमाइश शुरू कर दी। तो अयोध्या से गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद में पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन होगा। और रुक करते एक बड़ी खबर का जो अयोध्या से मिल रही है। सपा नेता मोइन खान पर शिकंजा, मोइन खान की बेकरी को सील किया गया है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, बेकरी से सामानों के सैंपल लिए गए, बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अयोध्या गैंगरेप का मुख्य आरोपी है मोइन खान, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खाद्य विभाग की टीम पहुंची बेकरी पर और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और बेकरी से सामानों के सैंपल भी लिए गए थे, जिसके बाद में लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अयोध्या गैंगरेप का मुख्य आरोपी है मोइन खान। देखिए, ये कल सूचना शाम को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है हमको आई कि जो है उस पर कार्रवाई किया जाना है, तो हमारी टीम जो है एसडीएम साहिबान सोहावल और स्वयं मैं जो है पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच करके बेकरी के अंदर जो है देखा गया, तो जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें जहाँ से हटा ली गई थी, लेकिन मौके पर जो है हमारे तीन लीगल सैंपल और दो सर्वे सैंपल लिए गए हैं। लीगल सैंपल में काला नमक है, एक साधारण नमक है और एक बेकरी जो है वह शॉपनिंग है, और उसमें जो है जो सर्वे नमूने इसलिए ले गए हैं क्योंकि उसके अमाउंट कम थी, इसलिए सर्वे नमूने ले गए। गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की ये बेकरी है, बेकरी को सील किया जा रहा है। जो भी यहाँ सैंपल लिए गए हैं उनको झांसी प्रयोगशाला भेजा जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की। फिलहाल सहायक उपायुक्त खाद्य मंत्री ने बताया कि इनकी जो बेकरी की लाइसेंस है वो भी रद्द किया जाएगा। कुल मिला के मोहित खान की घेराबंदी चौदह कर ली गई है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि शायद उनके प्रॉपर्टी पर भी चलेगा। अयोध्या और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता केबी शुक्ला जुड़ गए हैं। केबी, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या आज ही बुलडोजर कार्रवाई होगी? इसके अलावा पूरे मामले को लेकर प्रशासन के अधिकारी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, और साथ ही अब इसको लेकर सियासत जो शुरू हो गई है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, हम इस समय मोहित खान की बेकरी पर, आप देख रहे हैं मोहित खान की बेकरी, यहाँ नाम लिखा हुआ है और ये बेकरी का ये गेट है। हम बेकरी के अंदर जाते हैं, बताते कि बेकरी के जो सामान थे उनके सैंपल लिए गए हैं, इसके साथ ही जो बेकरी की छापी कार्रवाई थी जो खाद्य आने की वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही जो माणिक चंद सिंह जो सहायक उपायुक्त है खाद्य, उन्होंने बताया कि इनके जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लाइसेंस का केवल लाइसेंस के जो रिन्यूअल है वो भी नहीं किया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसको मिला के जो इनके खाद्य पदार्थ थे उनके सैंपल लिए गए हैं और ये सैंपल जो है झांसी प्रयोगशाला में भेजा गया, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के ये इनकी बेकरी है। इस बेकरी में जो बताया गया कि सारे सामान बेकरी मालिक पहले उठा लिए। तो बेकरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खाद्य विभाग की टीम कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची थी, कुछ सैंपल भी लिए गए हैं, साथ ही जो बेकरी का लाइसेंस था उसे भी रद्द कर दिया गया। आइए हम दिखाते हैं आपको बेकरी, दिखाते हैं कि बेकरी क्या 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 बनता था, यहाँ बिस्कुट टोस्ट वगैरह बनते थे यहाँ पर। कुल मिला के बेकरी के सारे सामान यहाँ खाली कर दिए गए हैं, जो यहाँ पे जो बचे हुए हैं। तो ये बेकरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो सब कार्रवाई कर चुकी है। कुल मिला के ये बेकरी है, ये ओवन इनका है, जहां पर यहाँ बिस्कुट बनती थी, ओवन है ये। तो कुल मिला के पूरी सील की कार्रवाई कर दी गई है, लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। कुल मिला के मोहित खान को चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। कुछ ही देर में यहाँ फोर्स पहुंचने वाली है एसडीएम सोहावल के नेतृत्व में, आज हो सकता है कि बुलडोजर एक्शन हो जाए। कुल मिला के जिस तरह से मोहित खान के जो समर्थक थे, यहाँ के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला अस्पताल में जाकर
पीड़ित महिला के परिजनों को धमकाया है, सुलह करने के लिए दबाव डाला गया, उनको पैसे भी देने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से योगी ने एक्शन लिया है, चारों तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बेकरी हो या फिर जो भी इनके हैं, वो सभी तरफ से चारों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर मोहित खान पर शिकंजा कसता जा रहा है, यही नहीं, जहां के चेयरमैन है मोहम्मद राशिद, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मोहम्मद राशिद किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि वो धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ कोतवाली नगर में FIR दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर जो मोहित खान है और मोहम्मद राशिद खान जो यहाँ के चेयरमैन है, उनको भी जो है उनकी तरफ भी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर चारों तरफ से मोहित खान की घेराबंदी की गई है, कहीं कोई कसर न रह जाए। एक इंच जमीन भी अगर अवैध निकली तो उस पर बुलडोजर चलना तय है। कुल मिलाकर थोड़ी देर में यहां पर पुलिस फोर्स पहुंचने वाली है, उसके बाद हो सकती है कि आज बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू कर दिया जाए। जी तो केबी, क्या बुलडोजर एक्शन की तैयारी इससे पहले प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी आप जहां पर मौजूद हैं, क्या आज वहीं पर बुलडोजर चलना है? और इसके अलावा आपने कहा कि कुछ सैंपल भी लिए गए हैं, तो क्या सैंपल में भी कुछ गड़बड़ी पाई गई है? और आपके आसपास में देख रही हूं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद है, तो जरा तस्वीरें आप दिखाते रहिए और बताइए कि आज दिन में क्या होने वाला है। देखिए, प्रशासन के सूत्र बता रहे हैं कि थाना गुरा के अंदर में फोर्स इकट्ठा हो गई है, कुछ ही देर में फोर्स यहां मूव करेगी। जब फोर्स यहां पहुंच जाएगी तो कार्रवाई शुरू होगी। SDM सुहावल भी आसी पास हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बताया जा रहा कि इनकी जो बेकरी की जमीन है, जो यहां जांच की गई है, वो शायद तालाब की जमीन पर ये बेकरी बनाई गई है। तो इस बेकरी को पहले ही ध्वस्त करना होगा, इसलिए कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एक बुलडोजर एक्शन हो, इससे पहले फोर्स बुलाई जा रही है। पूरा गंदा थाने में सारी फोर्स इकट्ठा की गई है, वो फोर्स यहां पहुंचते ही कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर SDM सुहावल भी मौके पर ही है, सारी रणनीति तय की जा रही है किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो, ताकि कोई दिक्कत न हो, यहां कोई विरोध न हो, क्योंकि ये मदरसा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई दिक्कत न हो, पत्थरबाजी न हो। इसलिए पूरे मदरसा में फोर्स लगाने के बाद ये कार्रवाई हो, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये मदरसा। 2012 में जब दंगा हुआ था तो मदरसा प्रभावित हुआ था, और उसी दंगे के दौरान ही मदरसा में चौकी खोली गई थी, और वो चौकी भी जो मुख्य आरोपी है सपा नेता मोहित खान की बिल्डिंग में ही खोली गई थी। और जब FIR दर्ज हुई तो रातों रात वो चौकी शिफ्ट कर दी। कई जगह पर गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है, कि भी आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार पर सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, समझौता ना करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इस मामले में सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जयसिंह राणा समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कोतवाली नगर में BJP नेता राम सेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है, और जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। BJP नेता की तरफ से ये आरोप लगाते हुए FIR भी की गई है।